महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनावों के नतीजों की तस्वीर अब लगभग साफ हो गई है। महाराष्ट्र में भाजपा और शिवसेना की जोड़ी बहुमत के साथ सत्ता में वापसी के लिए तैयार है, लेकिन हरियाणा में भाजपा को झटका लगा है। बीजेपी हरियाणा में बहुमत के आंकड़े से दूर है। इसी उम्मीद में कांग्रेस और जेजेपी अपनी कोशिशें जारी रख रही हैं और सरकार बनाने में जुट गई हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 विधानसभा सीटें हैं, वहीं हरियाणा में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं। दोनों राज्यों में 21 अक्टूबर को एक साथ मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में 60.46% और हरियाणा में 65.75% मतदान हुआ था। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सत्ता में तो आ रही है, लेकिन इस बार पिछली बार से कम सीटें हाथ लगी हैं। बीजेपी ने पिछले चुनाव में 122 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार 100 पर सिमटती दिख रही है बीजेपी। वहीं शिवसेना भी इस चुनाव में 63 के आंकड़े पर अटक गई है। महाराष्ट्र में अगर कांग्रेस और एनसीपी की बात करें तो इस बार उनके प्रदर्शन में सुधार हुआ है। दोनों की जोड़ी 97 सीटों तक पहुंच गई है। हरियाणा में ताजा आंकड़ों की बात करें तो 1:51 पर भाजपा 37 और कांग्रेस 33, वहीं जेजेपी 10 और अन्य 10 सीटों पर है। वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी 163, कांग्रेस 96 सीटों पर है, तो वहीं अन्य को 28 सीटें मिली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश।